भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर क्षेत्र की महत्वपूर्ण बैठक क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह की अध्यक्षता में बेनीगंज स्थित पार्टी कार्यालय पर आयोजित हुई। बैठक में लोकसभा चुनाव 2019 की समीक्षा, आगामी कार्यक्रमों की योजना एवं संगठनात्मक गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा किया गया। 15 जून से होने वाली पार्टी की सदस्यता अभियान के लिए कमर कस ली गई है। बैठक में सदस्यता अभियान के लिए कार्यकर्ताओं को तरोताजा होकर बूथ स्तर तक व्यापक स्तर पर सदस्यता चलाने के लिए जोर दिया। बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष उपेंद्र शुक्ला, प्रदेश मंत्री त्रयंबक नाथ त्रिपाठी, क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, क्षेत्रीय संगठन मंत्री रत्नाकर, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सत्येंद्र सिन्हा सहित क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष पुष्पदंत जैन, उपाध्यक्षगण और भारी संख्या में क्षेत्रीय पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष, लोकसभा प्रभारी, लोकसभा संयोजक मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी बृजेश राम त्रिपाठी ने कहा, तो कहीं न कहीं इस पर मान्यता जिला प्रशासन भी इंटरेस्ट निगेटिव ले रहा था। हमारे यहाँ हमारे जिले में चुनाव में एक वातावरण बना और सुबह लेकिन 10 बजे के बाद, चूँकि रोजा था तो इस नाते उन लोगों ने पहले लाइन लगाया और 11 बजे के बाद उनका वोट का परसेंटेज डाउन हुआ तो अपने क्षेत्र का ज्यादा से प्रदेश से 50% कहीं परसेंट 65 कहीं 58-50 से ऊपर भी वोट हुआ, लेकिन उनके मत का हुआ यह भी जीत का मेरे यहाँ एक कारण यह भी था। और जिन 2014 में बच्चे चिल्लाते थे कि मोदी जी आने वाले हैं, लेकिन इस बार जनता मन बनाई थी कि हमको मोदी जी कुछ वोट से जीते हैं और हर विधानसभाओं में एक मेरा विधानसभा माननीय था कि जहाँ स्वागत करने बार बार ये रिकॉर्ड जाता था पिछला चौधरी अपना दल के अध्यक्ष चल रहे सारे लोग नजर बचे, लेकिन स्वहरतगढ़ में ऐसा तूफान देखने के लिए पहली बार 28,000 वोट से हमारे यहाँ लीड हुई। ऐसे जिले में हम आदरणीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी, संगठन महामंत्री जी, प्रदेश उपाध्यक्ष जी, प्रदेश मंत्री जी, क्षेत्र के तीनों महामंत्रीगण यहाँ उपस्थित सभी। बलिया जिले में युवा संकल्प रैली नहीं हो पाई, लास्ट तक डेट ही नहीं तय हो पाया और चुनाव भी दिया। और संत कबीर नगर में जो मेहदावल में युवा संकल्प रैली के दौरान जो घटनाएं घटी दुखद था। प्रदेश अध्यक्ष का हेलीकॉप्टर है, उतरता है तो हेलीकॉप्टर पर भी पथराव करेंगे और उसको भी घेरेंगे, उनको भी नारा लगाएंगे, तो इन लोगों के ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। सम्मानित मंच और सम्मानित सभी टोटल इसमें लगाए हैं, जो जैसे आंगनबाड़ी है या शिक्षा मित्र है उनको लगाने से पूरे हमको लगता है कि पूरे प्रदेश में हमारे जनपद में भी इसका दूसरे युवा सम्मेलन कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, मैं किसान का लड़का हूँ लेकिन मैं क्या देवरिया के ही वहाँ इसका ट्रैक्टर की एजेंसी है, मैं वहाँ गया और वहाँ से 1,00,000 रुपये लेकर के युवा मोर्चा का जो जिलाध्यक्ष था मैं उसको दे दिया, बैठक गया और सभी जो लोग लाए थे, उपाध्याय जी भी हैं जो हमारे जिले के प्रभारी हैं श्रीमान सलेमपुर लोकसभा, सभी कार्यकर्ता। अब बलिया की जो बात आई तो हमने कहा कि भाई देखो तुमको पैसा नहीं देंगे, हम पैसा व्यवस्था जरूर करेंगे लेकिन तुमको पैसा नहीं देंगे, हम व्यवस्था करके करेंगे, लेकिन अभी अंत में अपने ये भारतीय जनता पार्टी की गोरखपुर क्षेत्र की टीम की बैठक है जिसमें सभी क्षेत्र के सभी जिलाध्यक्ष, लोकसभा प्रभारी, लोकसभा संयोजक और सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी इस बैठक में अपेक्षित थे, सभी की उपस्थिति हुई है। विगत अप्रैल और मई महीने में जो विधानसभा जो लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं उस जीत के बाद ये पहली बैठक क्षेत्र की बैठक बुलाई गई जिसमें संपन्न चुनाव की समीक्षा और आगे के कार्यक्रमों की योजना जो जून महीने से प्रारंभ होने हैं उस पर विस्तार से चर्चा माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी की प्रस्तावना के बाद आज से प्रारंभ हो जाएगा। और गोरखपुर क्षेत्र में सदस्यता अभियान 15 जून से प्रारंभ होगा जिसकी विधिवत योजना रचना इस कार्य बैठक में बनाई जाएगी।